फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। सो हमारा जो नेक्स्ट लार्वा आ जाता है, लार्वा ऑफ क्रस्टेशिया के अंदर, इज ग्लाउकोथो। तो ये जो 8th लार्वा यहाँ पर है ग्लाउकोथो, इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस हमको यहाँ पर ये बात समझनी होगी। एक दो पॉइंट हम इसमें इंक्लूड करेंगे और हम फिर मेन जो फोकस करेंगे इस वाले वीडियो सेगमेंट पर, वो होगा फाइलोसोमा लार्वे के ऊपर। तो अब देखते हैं ग्लाउकोथो में क्या होता है। ये एक लार्वल स्टेज है जो कि हर्मिट क्रैब के अंदर पाई जाती है, और इन दिस एनिमल द जुइया लार्वा मॉडिफाइज इनटू ग्लाउकोथो लार्वा। अब होता क्या है, जो जुइया लार्वा था, हर्मिट क्रैब का जुइया लार्वा जो होगा, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। मतलब एक उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, जुइया ही लार्वा है लेकिन उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन आ जाता है, और वो क्या बन जाता है, ग्लाउकोथो लार्वा बन जाता है। और ये जो स्टेज होती है वो सिमिलर होती है किसको, मेगालोपा को लेकर। तो जैसी मेगालोपा स्टेज थी जो जस्ट हमने से पहले देखी थी, उसी तरह से ये भी होता है कहीं ना कहीं। और इसमें हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ एब्डोमेन एंड प्लियोपोड्स, जैसे मेगालोपा स्टेज में एब्डोमेन और प्लियोपोड्स होना चाहिए, उसी तरह से ग्लाउकोथो स्टेज के अंदर भी देखने को मिलता है। 9th लार्वा इज फाइलोसोमा। सो द 9th लार्वा इज फाइलोसोमा। ये जो लार्वा होता है, द लार्वा ऑफ पेलीन्यूरस और रॉक लॉबस्टर और स्पाइनी क्रैब इज कॉल्ड फाइलोसोमा लार्वा। इन एनिमल्स या फिर इन ऑर्गेनिजम्स, या जो हम कह सकते हैं पेलीन्यूरस है, रॉक लॉबस्टर है, स्पाइनी क्रैब है, इन सभी में फाइलोसोमा लार्वा देखने को मिलता है। इसको ग्लास क्रैब भी कह सकते हैं, विच इज इनफेक्ट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइसिस लार्वा। जो माइसिस लार्वा होता है उसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है फाइलोसोमा लार्वा। तो हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहला, इट इज लार्ज फ्लैट एंड लीफ लाइक। एक लार्ज स्ट्रक्चर होगा, फ्लैटेंड होगा, थोड़ा सा लीफ की तरह नजर आता है, डेलिकेट होता है, और ग्लासी ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट और ग्लास की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसका जो एब्डोमेन है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स के अंदर, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और एक लार्ज कैरेपेस इसके ऊपर रहती है जो कि कवर करती है इसके हेड को और पहले 2 थोरेसिक सेगमेंट्स को। इसके अंदर स्टॉक कंपाउंड आईज होती है। द फाइलोसोमा लार्वा इमर्जिंग फ्रॉम एग हैज़ ओनली 6 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस। जो फाइलोसोमा लार्वा एग से डायरेक्टली निकलता है, उसके अंदर 6 पेयर्स होते हैं किसके, थोरेसिक अपेंडेजेस के, जिसमें से फर्स्ट पेयर जो होता है थोरेसिक अपेंडेज का, या फिर हम उसको मैक्सिलिपीड्स कह सकते हैं, वो रूडिमेंट्री होते हैं, यानी किसी काम के नहीं होते, जैसे कि पेलीन्यूरस के अंदर, या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि स्काइलेरस के अंदर। तो ये दोनों चीज हो सकती है, या तो होंगे तो रूडिमेंट्री होंगे या फिर होंगे ही नहीं। और अगर रूडिमेंट्री है तो पेलीन्यूरस में होगा, और अगर पूरी तरह से एब्सेंट है तो किस में होगा, ऐसा स्काइलेरस के अंदर। और जो सेकंड पेयर यहाँ पर होता है वो यूनिरेमस होता है। थर्ड पेयर इसका वेल डेवलप्ड होता है और वो बायरेमस होता है। एंड बिहाइंड दिस द रेस्ट 3 पेयर्स, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, इसके अलावा जो 3 पेयर्स बचते हैं, यानी कि फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर और सिक्स पेयर, ये कैसे होते हैं, ये लॉन्ग बायरेमस लेग्स होते हैं। इसके जो लेग्स होते हैं उनके अंदर नोटेटरी एक्सपोडाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, इसके लास्ट 2 पेयर्स जो होते हैं थोरेसिक अपेंडिजेस के, वो जनरली इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका जो एब्डोमेन होता है वो इनडिस्टिंक्टली सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड है, स्मॉल एंड लेग स्मॉल भी होता है थोड़ा, और उस पर कोई अपेंडिजेस नहीं होते हैं। फाइलोसोमा मोल्ड्स मेनी टाइम्स बिफोर इट बिकम्स एडल्ट। फाइलोसोमा में बहुत बार मोल्टिंग आती है, जैसे एक सांप केचली उतारता है उसको मोल्टिंग कहते हैं, शेडिंग ऑफ दी स्किन, या फिर जो भी उसका जो उसका स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना। तो उसी तरह से फाइलोसोमा में बहुत बार मोल्टिंग आती है जिस एडल्ट बनने से पहले, अगर हम देखें उसको तो। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं फाइलोसोमा के लार्वे ऑफ पेलीन्यूरस का। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एंटीन्यूल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ थर्ड मैक्सिलिपीड है, उसके बाद ये 3 जो है, 1, 2 और ये 3, ये फोर्थ से सिक्स थोरेसिक अपेंडेजेस है। ये थोरैक्स इसका, ये हेड है, यहाँ पर एंटीना है, कंपाउंड आइज है ये दोनों। एंटीन्यूल तो हमने देख लिया, थर्ड मैक्सिलिपीड भी हमने देख लिया। तो ये था इसका डायग्राम जो कि हमने यहाँ 9th लार्वा देखा था फाइलोसोमा। अब इसके बाद हम देखेंगे लास्ट लार्वा जो कि है एलिमा।